आपको आ रही है आवाज? आपको आवाज नहीं आ रही? भीषण गर्मी का अस्त अब यमुना नदी पर भी साफ होने लगा है और धीरे धीरे यमुना का पानी भी सूखने लगा है। और हालात ये हैं कि अप्रैल के महीने में ही हथनीकुंड बैराज से हरियाणा के लिए पानी की सप्लाई रोक दी गई है, जिससे हरियाणा में पानी का संकट और भी गहरा गया है। इस साल हथनीकुंड बैराज में पिछले 13 सालों में सबसे कम पानी का स्तर 1064 क्यूसेक के न्यूनतम बिंदु पर पहुंचा। पहली बार हरियाणा के लिए पानी की सप्लाई बंद। ताजेवाला हेड से निकलने वाले डिच और राफ्टिंग चैनल बंद। यमुनानगर के खिजराबाद क्षेत्र के दर्जनों गांवों में बड़ी परेशानी। रेवाड़ी भिवानी समेत दक्षिण हरियाणा की पानी की डिमांड पर सिंचाई विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दक्षिण हरियाणा मांग रहा है 900 क्यूसेक पानी। दक्षिण हरियाणा के 900 गांवों में पानी की भीषण किल्लत। 2000 टैंकर के जरिए भेजने के दावों पर अभी अमल नहीं। किस जिले के किस गांव में कितने टैंकर जाएंगे ये भी तय नहीं। दिल्ली को भी 761 क्यूसेक की जगह 712 क्यूसेक पानी की सप्लाई। हाइडल प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन लगभग ठप। अचानक कम हुए जल स्तर को लेकर विभाग की ओर से रिपोर्ट चंडीगढ़ हेड ऑफिस भेजी गई। साफ है कि एक तरफ हरियाणा पर कुदरत की मार पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सिस्टम ने पानी की कमी पर आंखें मूंद ली हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्यों प्यासा है हरियाणा? क्यों दक्षिण हरियाणा के 900 गांवों में पानी की किल्लत पर चुप है सरकार? क्यों दक्षिण हरियाणा में पानी के टैंकर अभी तक नहीं भेजे गए? क्यों सरकार के दावे हो रहे हैं फेल? कब बुझेगी हरियाणा की प्यास? अब इसे विडंबना ही कहेंगे कि एक तरफ हरियाणा का हलक सूख रहा है, वहीं दूसरी तरफ माननीयों की शान में हजारों लीटर पानी बर्बाद कर दिया जाता है, जिसके बाद सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर ये प्यास कब बुझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, उसके बाद प्रदेश के हालात कैसे हैं, कितना प्यासा प्रदेश है और कितने ऐसे गांव हैं, लगभग 900 ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है, और अब इसका साफ तौर पर असर यमुना पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि यमुना का पानी भी लगातार सूख रहा है। आसपास के राज्यों में पानी की बात की जाती है, लेकिन खुद प्रदेश कितना प्यासा है ये बात अब जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है। और इससे जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वो हो रही है लोगों को। गर्मी लगातार बढ़ रही है और उसकी वजह से प्रदेश प्यासा है, और कई सवाल इस दौरान सरकार के लिए भी उठ रहे हैं कि सरकार तमाम बंदोबस्त करने की बात तो करती है, लेकिन वो व्यवस्था असल मायनों में क्यों नहीं की जा रही? क्यों आज भी प्रदेश के ऐसा कई गांव हैं जो कि प्यासे हैं, वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है? सरकार कह रही है कि हम टैंकर भेज रहे हैं, लेकिन वो सब चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, प्रदीप नरूला जी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, प्रदेश इतना ज्यादा प्यासा है, क्या वजह है इसकी वजह से? और हम देख रहे हैं कि गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अप्रैल के महीने में गर्मी का सितम कितना है, लेकिन ये सब चीजें सरकार पहले नहीं कर पाई। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये संकट जो पानी का मौजूदा संकट है ये हर साल आता है। और जरूरी सभी सरकारों को पता है कि दक्षिणी हरियाणा के कुछ जिले टेल में माने जाते हैं, यानी कि बिल्कुल आखिर में है, और वहां तक पानी की सप्लाई सिंचाई की तो होती ही नहीं है। और इस बार पानी के पीने का पानी का भी संकट है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही है कि मेवात, रेवाड़ी, नारनौल, भिवानी और महेंद्रगढ़, ये डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पानी की कमी खास तौर पर देखी जा रही है, और यहां तक कि सूखे के हालात हो रहे हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद भी सरकार कल जागती है, कल 900 गांव को सरकार ने मान लिया कि 900 गांव में पानी का संकट है, पीने के पानी का संकट है, खाली पानी का संकट नहीं। और पीने के पानी का संकट होने का मतलब कुछ और होता है कि वाकई हालात अच्छे नहीं है। और सरकार चाहती है कि हर वार्ड में, हर गांव में दो दो टैंकर, लेकिन ये टैंकर कब उपलब्ध होंगे? प्रश्न ये है कि कम से कम सरकार को एक इमरजेंसी क्लॉज में साथ तुरंत ऑर्डर देने चाहिए थे कि
एक समय निर्धारित करना चाहिए था कि इतने घंटों के अंदर अंदर काम शुरू हो जाना लेकिन चाहिए, लेकिन वो चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही। और यही अभी तक है तो कि गांव की स्थिति इस वक्त ऐसी नजर आ रही है। संवाददाता हमारे साथ यमुनानगर से हरीश कोहली जुड़ चुके हैं। हरीश, अगर हम बात करें किस तरीके से हथनीकुंड बैराज पर पानी अब ना के बराबर रह चुका है और इससे सीधा असर दक्षिण हरियाणा पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह है कि पिछले दिनों पहाड़ों पर हुई बरसात में बर्फबारी कम होने की वजह से सीधा साधा असर दराई जमुना के पर देखने को मिल रहा है। जहां जमुना में हर समय 2500 क्यूसिक पानी रहता था, आज वहां पर मात्र 1100 के करीब जो है करीब क्यूसिक पानी रह गया है, जिसका सीधा साधा असर दक्षिण हरियाणा और दिल्ली के वासियों के ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल, और वो पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। हरीश, अब कुछ कोशिश की जा रही है क्योंकि सीधा असर वहां पर जो लोग हैं उन पर पड़ेगा, क्या प्रशासन सरकार की तरफ से वहां पर कुछ बंदोबस्त कराए जा रहे हैं, टैंकर क्या वहां पर भेजे गए हैं ताकि कम से कम जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को जो परेशानी होती है पानी को लेकर वो किल्लत वो लोग ना छीले। हरीश, आप सुन पा रहे मेरी आवाज को? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हरीश कोहली तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये यमुनानगर की स्थिति थी जहां पर पहले जो कितना क्यूसिक पानी होता था 2500 के तकरीबन क्यूसिक लीटर पानी होता था, लेकिन वो इतना घट चुका है कि 1064 पर वो पहुंच चुका है। अब इससे सीधे तौर पर प्रदेश पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा। जैसे कि प्रदीप जी आप भी कह रहे थे कि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे महेंद्रगढ़ की हम बात करें, गुड़गांव की बात करें, भिवानी में भी बहुत किल्लत देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार ने कहा था कि यहां पर टैंकर भेजे जाएंगे पानी की, वो सब चीजें भी नहीं हो पाई, डेडलाइन भी तय नहीं कर पाई और सरकार और ना ही लोगों के घरों तक पानी पहुंचा पाई है। देखिए पूजा, मैं पहले भी ये कह रहा हूं कि ये तो हथनीकुंड बैराज के स्टोरेज का हाल है। इससे पहले भी जब हम बैराज में स्टोरेज में कमी नहीं थी तब भी इन जिलों में पानी की किल्लत होती थी, और पिछली सरकारों ने या मौजूदा सरकार ने, इसको भी 1.5 साल का टाइम हो गया, बार बार ये दावे तो किए जाते हैं कि हम एक पक्का इंतजाम कर रहे हैं, हम एक पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन इंतजाम होते हुए नजर नहीं आते। हर बार योजनाएं बनती हैं, योजनाएं सिरे नहीं चढ़ती, सिर्फ कागजों में बन के रह जाती हैं, लेकिन तरीका ये है, बात असलियत ये है कि इस वक्त जो पीने के पानी की किल्लत है, और दूसरी तरफ कोर्ट भी बार बार सरकार से पूछ रहा है कि क्यों ना प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाए, तो कम से कम वो इलाके जहां वास्तव में पीने के पानी की किल्लत है उन्हें सूखाग्रस्त घोषित करने के। इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे कि आपने जिक्र किया कि खुद सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर कई बार फटकार लगा चुकी है, केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है, प्रदेश में भी उसका नाम का जिक्र किया गया था, लेकिन उसके वक्त प्रदेश सरकार कहती है कि सूखे जैसी कोई स्थिति है नहीं, जबकि आप ही के प्रदेश के 900 ऐसे गाँव है जहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है, तो किस तरीके की हकीकत है? खुद सरकार मान रही है कि 900 गाँवों में पानी की किल्लत है और वहाँ 2-2 टैंकर उपलब्ध कराए जाने की बात कल की परसों की मीटिंग में कही गई है। तो सरकार एक तरफ तो ये मानती है कि 900 गाँव में पानी की किल्लत है, दूसरी तरफ ये मानने की तैयार नहीं है कि सूखाग्रस्त कुछ इलाका हरियाणा का सूखाग्रस्त है, लेकिन पता नहीं सरकार की दोहरी नीति किस तरह से काम कर रही है। लेकिन फिलहाल चलिए जानिए सरकार क्या कहती है या कोर्ट क्या कहता है। लोगों की पहली प्राथमिकता है उन्हें पीने का पानी उपलब्ध कराना, जो सरकार को तुरंत कराना चाहिए। बिल्कुल, और प्रदीप जी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पानी को लेकर कोई प्री प्लानिंग नहीं की जाती, क्योंकि अमूमन सूखे जैसी स्थिति हो जाती है, बारिश कम होती है, मानसून कम होता है, लेकिन उसको लेकर पहले से कोई ना तो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, ना ही सरकार कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी तय करती है। कल हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी पानी का ही जिक्र किया कि जल कितना ज्यादा जरूरी है, बारिश के पानी को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं फेल नहीं नजर आ रही। पानी वहां लोगों को पहुंच नहीं पा रहा है, वही सब लोग परेशान हो रहे हैं। पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी के कंजर्वेशन को लेकर सरकार के पास कोई नीति नहीं है। आप हमारे शहर गुड़गांव को ले लीजिए, सारा पानी या तो वाटर चैनल से आता है या जमीन के नीचे से सक किया जाता है। कोई ऐसी प्लानिंग या ऐसी झील या कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि हम जितनी भी बारिश होती है, चाहे वो देखिए कुदरत का खेल है कि बारिश कितनी हो या कितनी ना हो, उस पानी को संचित किया जाए। कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं है, कोई भी ऐसी हमारे पास झील नहीं है, कोई भी ऐसा कोई सोर्सेज नहीं है कि हम पानी हार्वेस्टिंग कर सकें, लेकिन फिर भी सरकार करोड़ों रुपए इस पे खर्च करती है, हार्वेस्टिंग पे खर्च करती है, वाटर हार्वेस्टिंग बनाती है, लेकिन तरीके से ना कोई ऐसी प्लानिंग है कि जितना भी पानी हम स्टोर कर सकें, बारिश जितनी भी हो वो ठीक है, जो कुदरत का
करिश्मा है कि पानी कितना आए कितना ना आए, बारिश कितनी हो, लेकिन जो हो कम से कम उसे संचित करने का कोई पॉलिसी बनानी होगी ताकि बार बार ये नौबत ना आए, ये स्थिति बार बार ना आ पाए। अभी हमेशा हमें वाटर चैनल पे डिपेंड नहीं होना, कम से कम हमारे अपने यहाँ का कुछ पानी भी हम इस्तेमाल कर सकें। वो शुरुआत में हो सकता है कि हम पीने के लिए ना कर सकें, लेकिन और लेकिन बहुत बाकी चीजें भी हैं, वो भी सब पानी से होता है, तो कम से कम वहां पर तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। संवाददाता की तरफ रुख करते हैं, भिवानी से हमारे साथ मनोज मलिक जुड़ चुके हैं। मनोज, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। मनोज, भिवानी की स्थिति भी पानी से कुछ अछूती नहीं है, वहां पर भी पेयजल की काफी ज्यादा स्थिति भयानक होती जा रही है। कई ऐसे इलाके हैं भिवानी के जहां पर पानी की खासी कमी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में क्या टैंकर वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि 2000 के तकरीबन टैंकर भेजे जाएंगे अलग अलग जगहों पर। क्या पानी की ऐसी व्यवस्था भिवानी के ऐसे इलाकों में नजर आ रही है आपके समक्ष? मनोज, सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, बताएं। मनोज, मेरा सवाल आपसे ये है, भिवानी में किस तरह की स्थिति है इस वक्त पानी को लेकर? भिवानी का जो जिले की बात करें तो पानी के जो हालात जो है वो काफी पहले से तो काफी सुधरे हुए हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की कमी अभी भी है, जिसको लेकर लगातार प्रयास जो है किए जा रहे हैं। लेकिन मनोज, किस तरह के प्रयास हैं वो, किस तरह की कोशिशें हैं, क्या जिन इलाकों में कमी है, पहले तो हम आपसे उन इलाकों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे गाँव है जहाँ पर अभी काफी किल्लत है, साथ ही साथ क्या वहाँ पर पानी के टैंकर पहुँच रहे हैं, क्या व्यवस्था इन गाँव में की जा रही है? ये जो भिवानी का जो चितलाना है, गोरीपुर जो क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ ऐसे गांव हैं जो जहाँ पर पानी की किल्लत रहती है, लेकिन पानी की किल्लत की वजह से ये कारण ये है कि वहाँ तक पानी की सप्लाई जो है नहर के माध्यम से नहीं पहुँच पाती, वाटर बूस्टर तक पहुँच नहीं पाती, जिसको लेकर प्रयासरत है। बीते दिनों प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ व जनस्वास्थ्य मंत्री घनश्याम सराफ ने यहाँ पर एक सांगा माइनर जो नहर है उसका उसकी शुरुआत की है, उसको निर्माण कार्य शुरू किया है, और उसकी जो कार्य के साथ साथ उसमें जो रिपेयरिंग का काम भी है वो भी शुरू करवाया गया है, ताकि लोगों को पानी की व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से मिल पाए। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात ये है कि लोगों का जागरूक होना पानी के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार पानी की वेस्टेज होती है, उस पानी को वो भी एक चर्चा का विषय है कि लोग कैसे इसको लेकर जागरूक हो सकते हैं। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज मलिक, भिवानी को लेकर आपने तमाम जानकारी हमको दी। तो भिवानी के हालात हमने आपको बताया, यमुनानगर के हमने आपको हालात बताए, जहां पर 13 साल का रिकॉर्ड भी टूट चुका है और यमुना के कितना स्तर जल नीचे गिर चुका है वो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। लेकिन चर्चा अब हम इसी मुद्दे पर कर रहे हैं लगातार कि कैसे सरकार इस मसले को लेकर फेल होती हुई नजर आ रही है। आगे भी इसको लेकर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन रुकते हैं ब्रेक के लिए। स्वाद कर दे दीवारा श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन, शुद्ध घी भरपूर सेहत भरपूर स्वाद श्रीनंदन शुद्ध देसी घी श्रीनंदन। खेतों में खुशहाली लाए बोपाराए बोपाराए, घर घर पानी पहुँचाए बोपाराए बोपाराए, सालों साल चलता ही जाए बोपाराए बोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराए मोटर स्टार्टर। स्वाद कर दे दीवारा श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन, शुद्ध घी भरपूर सेहत भरपूर स्वाद श्रीनंदन शुद्ध देसी घी श्रीनंदन। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। आप सभी का स्वागत है। बात आज हम कर रहे हैं जल संकट की। जी हाँ, 33 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि सूखे की चपेट में हैं। पानी की भारी किल्लत देश भर के कई राज्यों में देखने को मिल रही है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट फटकार तक लगा चुकी है। लेकिन हम हरियाणा के हालातों की बात आज कर रहे हैं कि प्रदेश में ऐसे कितने न जाने गांव हैं जहां पर ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है, जहां पर समय तो सूखे जैसा संकट आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है, और सरकार अगर मान भी रही है तो वहां पर बंदोबस्त मुहैया नहीं करवा पा रही है। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिरकार जो इतने गांव हैं सूखे की चपेट में हैं, पानी वहां पर नहीं मिल पा रहा है, वजह क्या है। लेकिन अब सरकार के दृष्टिकोण से हम देखें तो सरकार क्यों नाकाम हो रही है। वो कह रही है कि 2000 टैंकर भेजे जाएंगे, पानी की सप्लाई उनको पहुंचाई जाएगी, लेकिन ये कब होगा, ये डेडलाइन, ये तारीख नहीं बताई जा रही। कब तक ऐसे लोग प्यासे बैठे रहेंगे। पूजा, सबसे बड़ी कमी पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में है। पानी का संकट गर्मियों में होता है, अक्सर हो जाता है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो भरपूर पानी का इस्तेमाल करते हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी का अक्सर संकट पूरे साल ही रहता है। अब मेवात का इलाका है, वहां पूरे साल पानी का संकट रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ चैनल्स ऐसे बनाने होंगे, कुछ पानी का संचय इस तरह से करना होगा कि इमरजेंसी में कुछ पानी शहरों से कम करके इन इलाकों में कम से कम पीने का पानी दिया जा सके। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ सरकारी योजनाओं का, कि मैं पिछले 10 साल से गुड़गांव में हुड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्लान योजना सुन रहा हूँ कि कम से कम घरों में गार्डनिंग के लिए, सफाई के लिए, टॉयलेट के लिए ट्रीटेड पानी की एक नई लाइन डाली जाएगी। मैं पिछले 10 साल से इस योजना को सुन रहा हूँ और योजना कागजों में बन जाती है, करोड़ों रुपए इसके टेंडर भी कर दिए जाते हैं, लेकिन आज तक ये इंतजाम यहाँ नहीं हो सका जिससे 50% पानी बचाकर दूसरे इलाकों, रिमोट इलाकों को दिया जा सकता है। लेकिन नहीं, आज भी शहरों में गार्डनिंग, पीने सफाई साफ पानी से होती है, टॉयलेट में साफ पानी यूज होता है। इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि आपने लोगों के नजरिए से भी बात की कि देखिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पानी की कमी ये नहीं है कि सिर्फ शहरों में नहीं है या गांव में नहीं है, वो सब जगह हो सकती है, लेकिन लोग भी इस बात को समझे, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पानी डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं कमी है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक हमारा इलाका जो पीने का पानी मुहैया नहीं कराता, दूसरा इलाका है जो धड़ाधड़ पानी इस्तेमाल कर रहा है। आज सरकार ये कहती है कि गाड़ी धोना या इस तरह से पानी का छिड़काव करना क्राइम की स्थिति में आता है, तो सरकार को भी सख्त कदम उठाने होंगे, लोगों को भी जागरूक होना होगा पड़ेगा। और सिर्फ इन्हीं चीजों से नहीं होगा, पानी के रिसोर्सेज भी हमें कम से कम वाटर हार्वेस्टिंग पे जोर देकर, अब हुड्डा का नियम है कि आप 250 गज के प्लॉट से ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति है, नाम मात्र है, कंप्लीशन दे दिया जाता है, एक बार दिखा दिया जाता है, कहीं कोई भी वाटर हार्वेस्टिंग नहीं। बिल्कुल, तो ऐसे में जरूरत यही है कि वाटर हार्वेस्टिंग पर भी सोचा जाए, लोग भी बहुत ज्यादा जागरूक हो ताकि ऐसी समस्या जो बार बार आ रही है वो ना आए। बहुत शुक्रिया प्रदीप नरूला जी, आप हमारे साथ जुड़े और जल संकट को लेकर हमने एक गहन स्थिति भी बताई और साथ ही साथ इस विषय पर हमने चर्चा भी की। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख कर लेते हैं उस बड़ी खबर की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की ये आ रही है कि ग्रामीणों ने SIT टीम को बंधक बनाया, जो कि रोहतक से खबर है। आपको बता दें कि रैनकपुरा में छापेमारी करने के लिए SIT की टीम गई थी, लेकिन उस दौरान ग्रामीणों ने खुद इन टीम के साथ हाथापाई की। इतना ही नहीं, बंधक भी SIT टीम के सदस्यों को, लोगों को बना लिया गया। कैप्टन अभिमन्यु के आवास में आगजनी और लूटपाट का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों ने SIT टीम को बंधक बनाया, मारपीट उनके साथ की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की।
रोहतक के अरेनापुरा में छापेमारी करने के लिए एसआईटी की टीम गई थी, लेकिन इस दौरान जो वहां पर ग्रामीण हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने एसआईटी टीम के साथ हाथापाई की, मारपीट की और एसआईटी टीम का गठन दरअसल हो चुका है। कैप्टन अभिमन्यु के आवास में जो आगजनी हुई थी, जाट हिंसक आंदोलन के दौरान जो लूटपाट की गई थी, कैप्टन अभिमन्यु के घर में जो आगजनी हुई थी, जो हिंसा हुई थी, उसी को लेकर वो जांच पड़ताल कर रही है और उसी सिलसिले में वो वहां गई थी। लेकिन अब इसके उलट ग्रामीणों के रोष का सामना एसआईटी टीम को करना पड़ा, उनके साथ हाथापाई की गई, बंधक एसआईटी टीम को बना लिया गया। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ, नमस्कार।